मेरे सभी नगर पालिका राजुंद के मित्रों को, मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सादर प्रणाम। साथियों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज हरियाणा सरकार की मंत्री माननीय कमलेश डांडा जी नगर पालिका राजुंद के वासियों पर एक अनपढ़ औरत को यहाँ का मुखिया बनाने का काम कर रही है। सरकार हमारी किसी भी तरह की देखभाल नहीं कर रही है। मैंने जिस दिन ये बबीता जी ने नॉमिनेशन किया था, उसी दिन से इसके कागजों पे आपत्ति जताई थी, जिसका आज तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। अभी 4 रोज पहले भी मैंने डीसी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, चुनाव आयोग हरियाणा को और चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है पूरे कागजों के साथ, जो उसकी डिग्रियां हैं, जो उसके पास सर्टिफिकेट है 10वीं का, जो भी उसने कागज लगाया है वो टोटली फर्जी है। मैं डीसी साहब से एक अनुरोध करता हूं कि पहले बबीता जी के पूरे कागजों की जांच कराएं, फिर इसको शपथ दिलाएं। आज राजेंद्र नगर पालिका में शपथ दिलाई जा रही है। मैं अपनी ओर से, पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से, पूरे चमार समाज की ओर से, पूरी छत्तीस बिरादरी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारा इसमें साथ दे। मैं, मेरी टीम, मेरे कुछ साथी एक शांतिपूर्ण धरना करेंगे नगर पालिका राजुंद के सामने और इस शपथ को लेने नहीं देंगे, चाहे हमारे साथ जो मर्जी हो जाए। साथियों, कुछ साथी कहते हैं कि भाई ये कर्ण सिंह वाल्मीकि का निजी स्वार्थ है। साथियों, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ये मेरे समाज की लड़ाई है, मेरे ऐसी बिरादरी की लड़ाई है। हक हमारा था, दे दिया किसी और को। इस लड़ाई को जीतने में हमारा सहयोग करें। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन पे आके हमारा सहयोग करें। हाँ,